गाइस, अगर आप Redmi Note 10 Pro या फिर Max यूज़ करते हो तो भाई यहाँ पर एक और नया अपडेट जो है वो रिलीज़ कर दिया है 14.0.2.0 का, जो कि 1.9 GB के आसपास इसका जो साइज़ है काफ़ी बड़ा एक अपडेट है। और ये अपडेट यहाँ पर आज की डेट में रिलीज़ किया गया है। और इस वीडियो में मैं आपको इसका फुल फीचर रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको अपने फ़ोन में फ्लैश कर लिया। ये जो अपडेट है वो अभी इंडिया में नहीं आया है, ये ग्लोबल में रिलीज़ किया गया है। लेकिन इस अपडेट में आपको पता चल जाएगा कि भाई जो इंडिया में ये अपडेट आने वाला है इसमें यहाँ पर कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, फोन की परफॉर्मेंस कैसी है, और यहां पर इस अपडेट में फ्रंट कैमरा वगैरह तो डेड वगैरह नहीं हो रहा है। तो यार ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए भाई, चैनल पर अगर पहली बार है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पर अगर मैं अबाउट सेक्शन की बात करूँ तो आप देख सकते हो 14.0.2.0 है, जो कि भाई यहाँ पर ग्लोबल में रिलीज़ कर दिया गया है। और इस अपडेट में आपको यार काफ़ी बड़े बड़े जो चेंज हैं वो देखने को यहाँ पर मिलते हैं, तो काफ़ी सही अपडेट है। वन बाय वन हम सारे ही फीचर्स के बारे में यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई इस अपडेट में आपको कौन कौन से फीचर जो वो देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि फीचर्स के बारे में क्या ऑप्टिमाइजेशंस हैं, क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फीचर की बात करूं तो भाई यहाँ पर अगर मैं चेक करूं सुपर आइकन्स के बारे में, तो भाई यहाँ पर मुझे अभी भी सुपर आइकन्स वगैरह देखने को नहीं मिले हैं इस अपडेट में। हालांकि अपडेट काफ़ी बड़ा है, 2 GB के आसपास है, लेकिन सुपर आइकन्स किसी में भी अभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो सुपर विजिट्स हैं वो काम कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी हमारे डिवाइस में आए हुए हैं, लेकिन ये परमानेंटली यहाँ पर काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ से जो सुपर विजिट्स हैं वो आप कैसे लगा सकते हो, तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो विजिट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपको MIUI 14 के भी विजिट्स देखने को मिलेंगे। ये परमानेंटली वाले विजिट्स हैं, इनको मतलब ऐसा नहीं कि आपको अलग से कहीं से डाउनलोड करना पड़े या कहीं और किसी प्लेस से इसको जो है वो मतलब आपको ऐड करना पड़े, ये सारे ही विजिट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। इवन यहाँ पर मल्टीपल जो ऐप्स के विजिट्स हैं वो भी आप लगा पाओगे, क्योंकि यहाँ पर ये ऐप्स के जो विजिट्स हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये काफ़ी बढ़िया वे है, और इस अपडेट में ये चीज़ जो वो काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन के साथ मिलती है। और बाकी अगर मैं सेटिंग की बात करूं तो सेटिंग में कुछ ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले में जाओगे तो यहाँ पर अगर हम चेक करें कि इसमें टाइमर वगैरह जो है वो इंक्रीज़ किया है या नहीं किया है, तो यहाँ पर स्टिल अगर आप चेक करोगे तो भाई 10 सेकेंड वाला ही टाइमर मिल रहा है, जो कि ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले में ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहा है। यहाँ पर इसमें कोई ज़्यादा खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, और बाकी जो फीचर्स हैं वो सेम एज़ मिल जाते हैं। उसके बाद ही अगर मैं नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर की बात करूँ तो ये जो कंट्रोल सेंटर है हमें MIUI 14 के अपडेट में मिला हुआ है, जो कि हम यूज़ भी कर रहे हैं। तो इसमें कुछ और भी फीचर्स यहाँ पर ऐड होने वाले थे, जो कि इस अपडेट में मुझे लगता नहीं कि Xiaomi ने यहाँ पर ऐड किए हैं। और उसके बाद ही अगर मैं बात करूँ कि आप इनके जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप है उनको यहाँ पर अनइंस्टॉल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर एक बारी हम चेक कर लेते हैं कि हम इनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं। तो हालांकि यहाँ पर अगर हम जाकर चेक करें तो यहाँ पर देख सकते हो आप अनइंस्टॉल का अभी भी फीचर यहाँ से मिसिंग है। तो यार ये बेकार सी चीज़ है, Xiaomi को एटलीस्ट ये तो यहाँ पर देना चाहिए था। उसके बाद अगर मैं होम स्क्रीन में बात करूं तो भाई होम स्क्रीन के अंदर ये काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं वो आपको देखने को ऑलरेडी मिले हुए हैं, जो कि परफेक्टली वर्क भी कर रहे हैं। हालांकि और भी काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं वो Xiaomi यहाँ पर ऐड कर सकता था, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ फीचर जो है वो अभी भी मिसिंग है, ऐड नहीं हुए हैं। लेकिन अपडेट तो यार काफ़ी बड़ा है, इस अपडेट में यार बहुत सारे फीचर्स Xiaomi ऐड कर सकता था, बट यहाँ पर मुझे कुछ खास ऐसे फीचर्स देखने को नहीं लगे। तो यहाँ पर इसके जो फीचर्स हैं वो बस लिमिटेड हैं, लेकिन काम सही कर रहे हैं। अगर वॉलपेपर सेक्शंस वगैरह में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर कुछ जो नए वाले वॉलपेपर्स हैं MIUI 14 वाले वो यहाँ पर आपको सारे ही देखने को मिलते हैं। कुछ और भी यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, तो वो आप यहाँ से एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि कुछ और भी वॉलपेपर्स अब यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इवन अगर आप थीम सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर भी लाइव टाइल जो थीम्स हैं वो काफ़ी सारी ऐड कर दी हैं। तो ये छोटे मोटे ऑप्टिमाइजेशंस डेफिनेटली इस अपडेट में आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर सेफ्टी एंड एमरजेंसी में अगर आप जाओगे तो इसका जो लेआउट है वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड कर दिया। हालांकि ये बोल्ड मैंने किया है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से ये बोल्ड आप कर सकते हो, क्योंकि देखने में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एमरजेंसी एसएस में अगर आप जाओगे तो ये चीज़ जो है वो आपको कुछ इस तरीके से अब देखने को मिलती है। ये छोटा सा एक अपडेट आप डेफिनेटली आपको मिलेगा रिकॉर्ड वीडियो का, तो कुछ इस तरीके से इसको आप यहाँ से जो है वो सेटअप कर सकते हो। सेटअप करोगे तो प्ले अलार्म है और डोंट प्ले अलार्म इसके साथ जो है वो आप जा सकते हो। तो यहाँ पर कॉल वगैरह की जो डिटेल है वो भी आपको फिल करना होगी। स्टार्ट वगैरह आप यहाँ से करोगे तो ये जो कॉल का नंबर है वो भी आप एडिट वगैरह कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो इसको जो है आप डायरेक्टली यहाँ से सेटअप कर पाओ, तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो है सेटअप हो गया है। और यहाँ पर एमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपना जो कॉन्टैक्ट वगैरह है वो डाल सकते हो, डालने के बाद ही ये चीज़ जो है वो यहाँ से काम कर जाएगी। तो एक बार इसको आप पेयर करके देख लेना किस तरीके से ये चीज़ जो है वो यहाँ पर काम करती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और इसमें आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर पेयर करना होगा। सारी इन्फॉर्मेशन आप एक बार चेक कर लेना क्या क्या
इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पर रहती है। तो ये मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लगा और ये परमानेंटली जो है वो आपका यहाँ से काम करेगा। तो यहाँ पर आपकी जो वीडियो कॉल है या फिर ऑडियो कॉल है उसको लगा देगा। इस तरीके से आप यहाँ पर अगर 3 बार टैप करोगे तो डायरेक्टली ये चीज़ वो इमरजेंसी SOS में चली जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर ये जो कॉल के फीचर्स हैं, मतलब बहुत सारे अब नए फीचर्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो मतलब पहले कुछ सिलेक्टेड फीचर थे MIUI 13 में, MIUI 14 में और फीचर आ गए, लेकिन यहाँ पर MIUI 14 का ये जो सेकंड अपडेट आया इसमें कुछ और भी फीचर Xiaomi ने ऐड कर दिए हैं। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा, आप इसको एक बार यहाँ से चेक कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप एडिशनल सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर आपको ये जो 5GB वाला फीचर है वो अभी भी स्टिल मिला हुआ है। हालांकि मैंने इसको एक्टिवेट भी किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अगर इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर एक बार डिवाइस को आपको रिबूट करना होता है। अगर आप रिबूट नहीं करोगे तो एक्टिवेट नहीं होगा। बहुत सारे यूज़र्स बोल रहे हैं कि मेरा काम नहीं कर रहा है, मुझे एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। तो इसको टैप करने के बाद आपको एक बार रिबूट पर टैप करना होगा, चाहे 5GB पर करो, चाहे 3GB करो, चाहे यहाँ पर आप 2GB पर करो। तो इसके बाद जैसे क्लिक करोगे तो रिबूट करोगे तभी ये एक्टिवेट होगा, अदरवाइज खुद से एक्टिवेट नहीं होता है, एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ काफ़ी सही है और ये परफेक्टली काम भी कर रही है। और यहाँ पर अगर आप लोडिंग विंडो वगैरह में जाओगे तो इसकी जो मल्टीटास्किंग है वो यहाँ पर बस दो ही ऐप्स में काम कर रही। तो फिलहाल हम एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि 2-3 ऐप और भी ऐड कर दियो, मतलब कुछ इंप्लीमेंटेशन है या फिर वो 2 ऐप में ही काम कर रही। तो फिलहाल हमने 2 विंडो खोल ली, अगर हम 3री विंडो को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं अभी भी काम कर रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये काम कर जाए, बट ये अभी भी 2 ही विंडो पर काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से 3 विंडो ओपन नहीं कर रहा है। तो यार Xiaomi को एटलीस्ट मतलब कम से कम 3 से 4 विंडो तक का सपोर्ट यहाँ पर देना चाहिए जो कि नहीं है। और बाकी जो MIUI 14 के जो फीचर्स आपको मिले हैं वो सेम एस काम कर रहे हैं। अगर मैं कैमरे की बात करूं तो भाई कैमरा तो मेरा आपको पता है कि ऑलरेडी यहां पर डेड हो चुका है प्रीवियस अपडेट में। तो यहाँ पर ये जो फीचर्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं। कुछ और भी यहाँ पर फीचर्स वगैरह मिले हुए हैं, हालांकि मैं इसकी टेस्टिंग वगैरह करूँगा सही से, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या यहाँ पर और कौन कौन से नए फीचर जो वो देखने को मिले हैं, कुछ और भी यहाँ पर फीचर जो वो ऐड हुए हैं। तो फिलहाल कैमरे की क्वालिटी में कोई ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है, बढ़िया काम कर रहा है। और यहाँ पर कुछ सिनेमैटिक जो है वो आपको मतलब लेआउट्स वगैरह मिलते हैं जो कि आप यहाँ से चेक कर पाओगे। सिनेमैटिक जो इफेक्ट हैं वो यहाँ पर काफ़ी सारे जो नए हैं वो ऐड कर दिए, और भी कुछ ऑप्टिमाइजेशन हैं। तो फिलहाल यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद ही मैं फुल फीचर रिव्यू दूंगा जिसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और उसके बाद इसका जो है रिजल्ट हम देख लेते हैं। थर्मल टेस्ट वगैरह भी किया है कि परफॉर्मेंस इंडिया से कैसी है, यहाँ पर बेटर है या फिर मतलब डाउन है। यहाँ पर अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यार इंडिया से मुझे थोड़ी सी मतलब यहाँ पर डाउन देखने को मिली है, क्योंकि अभी आप देखोगे इंडिया में थोड़ी सी बेटर है परफॉर्मेंस। यहाँ पर इसका जो मैक्स स्कोर है वो देख सकते हो आप, 1,39,000 के आसपास मिला है। एवरेज की बात करूँ तो 130 के आसपास आपको देखने को मिला है। मिनिमम की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर जो है 98 के आसपास देखने को मिला है। फिलहाल यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर कोई भी आपको जो है रेड पार्टिकल देखने को नहीं मिला है, हालांकि परफॉर्मेंस ठीक है। और यहाँ पर 80-90% जो परफॉर्मेंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिली है। तो परफॉर्मेंस मतलब बेटर है, लेकिन इंडिया से बेटर नहीं है, क्योंकि ये बीटा अपडेट है, स्टेबल आएगा तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो CPU थर्मल टेस्ट 90% जो है मैक्स परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। तो अभी इसका जो है पूरा रिजल्ट देखेंगे क्या टेस्टिंग वगैरह पूरी कंप्लीट करने के बाद इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा और भी आपको फास्ट देखने को मिलेगा। और गाइज यहाँ पर अगर मैं बात करूँ MI डायलर की तो भाई अभी भी स्टिल इस अपडेट में भी गूगल डायलर ही चल रहा है। अभी आप देख सकते हो ये मैंने कॉल यहाँ पर लगा रखा है तो ये गूगल डायलर ही काम कर रहा है। MI का डायलर जो है वो अभी तक Xiaomi ने नहीं दिया है, हालांकि Xiaomi ने बोला है कि MIUI 14 में हम यहाँ पर जो MI का डायलर है वो देगा। एटलीस्ट यहाँ पर और भी काफ़ी सारे डिवाइस में मिल रहा है, लेकिन यार Xiaomi ने अभी तक इसमें ये चीज़ ऐड नहीं की। तो यार जब यहाँ पर नहीं है तो इंडिया में भी आपको क्या ही देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि भाई इंडिया में ये अपडेट आपको कब तक देखने को मिलेगा या फिर इंडिया में आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, तो भाई इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम पे या फिर डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और TWRP की मदद से फ्लैश कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इंडिया में ये कब तक आए तो इंडिया में भी डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि इसका जो रोल आउट है वो काफ़ी जल्द हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल में काफ़ी जल्दी अपडेट जो वो दे दिया है। तो इंडिया में भी नेक्स्ट मंथ के एंड तक एक्सपेक्टेशन है कि ये अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। अभी हम इसकी टेस्टिंग वगैरह करेंगे और इसका एक फुल फीचर सेपरेट वीडियो जो है वो आपको मिलेगा, क्या बग्स वगैरह हैं और क्या परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।